अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है और लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा दिन भी कल समाप्त हुआ और दूसरा दिन पूरा का पूरा पहले तो बारिश ने परेशान किया, दूसरा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने कहर बरपाया। जी हाँ, आपको बता दें कि महज 107 रनों पर ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को। बड़ी बात यह है कि कोई भी बल्लेबाज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पर टिक कर खेलने के लिए आया है। कंडीशन ज़रूर थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन कंडीशंस इतनी ख़राब होने के बावजूद अगर आप एक प्रोफेशनल टीम, एक इंटरनेशनल टीम लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दूसरी बात, विराट कोहली जो कप्तान है, विराट कोहली के अलावा कोई भी, अगर हम 5-6 बल्लेबाजों की बात करें तो कोई भी बल्लेबाज वहां पर अपना टेम्परामेंट दिखाने में असफल रहा है। दूसरी बात क्या थी कि मुरली विजय जिस हिसाब से आउट हुए, टिपिकल जो सबकॉन्टिनेंट शॉट जिसको हम कहते हैं कि आपको एक यॉर्क बॉल आई, हल्की सी इनस्विंग मिली और वहां पर उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि आपत्तिजनक शॉट खेल दिया और वहां पर उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया। इसके बाद राहुल और पुजारा हालांकि अच्छे टच में दिख रहे थे, एक दूसरे को मतलब बैक करके खेल रहे थे क्योंकि उस समय कंडीशंस ऐसी थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बॉल पड़कर घूम रहा था, हवा में भी घूम रहा था, तो यहां पर बेहद ज़्यादा ज़रूरी था कि टीम यहां पर मैच को बचा कर रखे। लेकिन ख़ास बात ये थी कि यहां पर जब केएल राहुल की विकेट मिली जेम्स एंडरसन को तो वहां पर ऐसा लगा कि अब शायद टीम इंडिया की कमर टूट गई है। केएल राहुल वन ऑफ द वैल्यूएबल प्लेयर्स में से एक हैं इस टीम में, शायद शिखर धवन को बाहर रखकर इसलिए उनसे ओपन कराया गया। 4 नंबर पर कप्तान कोहली आए, कप्तान कोहली ने टिककर खेलने की जरूरत हो, लेकिन ऐसे में फिर एक बार बारिश ने खलल डाली और 15/3 हो गई भारतीय टीम। पुजारा की विकेट जो है, पुजारा को पोप ने रन आउट किया, ओली पोप अपना डेब्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा विराट की भी यहां पर गलती है। विराट कोहली ठीक है, आप वनडे के हिसाब से अगर खेलते हैं, आपकी धोनी के साथ अच्छी कनेक्शन है रनिंग बैटिंग द विकेट्स में, और उसके बाद आपकी जो रोहित शर्मा के साथ बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग आप पुजारा के साथ टिपिकल टेस्ट मैच में नहीं कर सकते। भाई आपको वहां पर खेलना है, आपको वहां पर समय बिताना है, रन्स आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर बॉल बल्ले से बाहर, गेंदबाज अगर 6 गेंद फेंक रहा है तो गेंदबाज को पहले थकाता है बल्लेबाज, जो विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में भी किया। लेकिन यहाँ पर आपको रन चुराने की इतनी जल्दी थी जिस वजह से पुजारा की विकेट गई और टीम इंडिया को दबाव का सामना करना पड़ा। हालांकि अजिंक रहाणे जरूर आए, ऐसा लगा कि आज तो वो कुछ करेंगे ही क्योंकि उनका रिकॉर्ड जिस तरह से बोल रहा है, लेकिन अजिंक रहाणे का भी जो बल्ला है वो एक बार फिर खामोश रहा और यहाँ पर विराट कोहली का साथ कोई नहीं दे पाया। अजिंक रहाणे का विकेट भी एंडरसन ने लिया और कहीं ना कहीं एंडरसन ने जो कहा था कि मैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान करूंगा, वो उन्होंने करके दिखाया है। एंडरसन ने अपनी गेंदों से, अपनी स्विंग से सवाल पूछे हैं, शायद यही वजह है कि वो मौजूदा समय में पूरे विश्व के महान पूरे विश्व के महान गेंदबाज हैं। विश्व की चोटी के गेंदबाज जब इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम में ज़रूर पीछे हटती है। और यहाँ पर जो कंडीशंस है, जो टॉस जीतकर कप्तान जो रूट ने जो कहा था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले लेंगे और टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेलेंगे, अब आपके पास 107 की लीड है। अगर यहाँ से 150 से 200 रन भी अगर इंग्लैंड बनाती है, अगर हमारी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 150 से 200 रन अगर इंग्लैंड की टीम बना लेती है तो भी भारत को घाटा है, क्योंकि आपसे जब 190-194 नहीं चेज हो रहे हैं, पहली पारी में आप जब 107 पर बोल्ड आउट हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर क्या आपके पास ये जो बल्लेबाज, ये जो 6-7 बल्लेबाज जो आप लेकर गए हैं, क्या ये पिच पर टिककर खेल सकते हैं, क्या ये अपना टेम्परामेंट दिखा सकते हैं जो टेम्परामेंट इन्होंने अफ्रीका दौरे में दिखाया था। अफ्रीका में भी हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा किया था। देखिए पिछले 4-5 दौरे अगर भारत के देखा जाए, विदेशी दौरे 4-5 दौरे में भारत का बॉलिंग लाइनअप बाकमाल खूबसूरत रहा है, बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजों ने जो है आपकी नाक डुबाई है। साउथ अफ्रीका में आपसे रन नहीं बने, टेस्ट मैच में आपके इंग्लैंड में भी नहीं रन नहीं बन रहे हैं, तो कहाँ पर ज़रूरत है सुधार की, वहाँ पर विराट कोहली को करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देते हैं कि पिछले 12 टेस्ट मैचों में विराट कोहली ने 18 चेंज किए, पिछले 12 टेस्ट मैचों में 18 चेंज, यानी कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मन में भी ये दबाव है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो शायद हम टीम से बाहर हो जाएंगे। अंदर बाहर करके पहली बात तो आप एक प्लेयर की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि आप
अब ठीक है, ये अच्छी बात है, आप जो मोटो लेके चलते हैं, जो परफॉर्मेंस करेगा वो टीम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहा है, आपको उसे मौके देने पड़ेंगे। अगर आप उसे मौके नहीं देंगे तो शायद यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, योयो टेस्ट को लेकर हर बार सवाल होते हैं। चलिए, योयो टेस्ट आपने वनडे और T20 के लिए मैंडेटरी कर दिया, लेकिन टेस्ट मैच में भी आपको कई ऐसे खिलाड़ी लगेंगे जो आपको रन बचा कर दें। आपकी स्लिप में फील्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई लोगों का कहना है कि योयो टेस्ट की वजह से लोगों की स्किल ख़राब हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्किल ख़राब है, अगर योयो टेस्ट आप पास करते हैं, आप एक फिट फील्डर हैं, तो आप कितने विकेट निकलवा के दे सकते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, पिछले टेस्ट मैच में वो साफ तौर पर दिख रहा था कि स्लिप में टीम इंडिया ने कितने कैचेस छोड़े हैं। दूसरी बात, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम योयो टेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम को भी यहाँ पर समझना पड़ेगा। कप्तान को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, कोच को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। वी आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द ग्राउंड, इस तरह की बात करने से नहीं होगा। ठीक है, कंडीशंस हर टीम के लिए ख़राब होती है। ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लैंड खेलने आया था, पाकिस्तान भी यहाँ पर खेल के गया, लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से किसी टीम ने नहीं दिया। दूसरी बात, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस टीम में कैपेबिलिटी नहीं है, इस टीम में कैपेबिलिटी है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि हर बल्लेबाज इस तरह का शॉट खेल रहा है जहाँ पर वो शॉट उनको जाना नहीं चाहिए। बॉल अगर पांचवें स्टंप पर जा रही है, केएल राहुल पांचवें स्टंप पर अगर बॉल खेलने जाएंगे तो वो अपना विकेट थ्रो ही करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं यहाँ पर, इतना तो लोग टीवी में भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ओवरकास्ट कंडीशन है, हवा चल रही है, ठंड है, बॉल हवा में भी घूमेगा और बॉल पड़कर भी घूमेगा। यही जो जिसे हम कहते हैं, जो इन स्विंग और आउट स्विंग, जो एंडरसन की जो ताकत है, उसको टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने उसको दुगना किया है। स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल एक अंदर घुसकर आ रही थी और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड को विकेट मिलने शुरू हो गए। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि आप किस गेंदबाज को किस तरह से खेल रहे हैं। अगर कायदे से देखा जाए तो ये शर्म की बात है कि इंग्लैंड के सिर्फ चार गेंदबाजों ने मिलकर आपकी पूरी टीम को ऑलआउट कर दिया। उनको उनके पांचवें गेंदबाज आदिल रशीद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आदिल रशीद खेलते तो शायद ये 107 भी नहीं बनते। दूसरी बात, यहाँ पर 35 ओवर में ये पूरी की पूरी टीम ऑलआउट हो गई। एक दिन का खेल तो ख़राब हुआ ही हुआ, साथ ही अब जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड्स टेस्ट में अगर हो तो कम से कम मैच बचाया तो जा सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर आज का खेल होता है, आज का खेल अगर पूरा होता है, तो इंग्लैंड की टीम अगर खुदा ना खासता 150 से 200 रन बनाती है तो टीम इंडिया को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक पारी सिमट गई है, अब बची तीन पारियों में आपको यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दूसरी बात, अभी 3 दिन का खेल बाकी है, 2 ही दिन जो है वो धुले हैं, और 2 दिन में भी टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दिया है बाकमाल खूबसूरत, 35 ओवरों में 107 पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आप एक स्पिनर लेकर उतरे हैं, यानी कि माफ़ कीजिएगा, 2 स्पिनर लेकर उतरे हैं, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव। ठीक है, अश्विन का तो उनका काउंटिंग का उनका एक्सपीरियंस काम आ रहा है, वो दिख भी रहा है। कुलदीप यादव, जिन्होंने वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ में इंग्लैंड को परेशान किया था, फ्लैट ट्रैक्स में भी वो परेशान करते हैं, लेकिन ये विकेट, ये घास की विकेट है। अगर आपको कुलदीप यादव का फ़ायदा उठाना है तो आपको धूप की ज़रूरत पड़ेगी। जब पिच सूखी होगी वहाँ पर कुलदीप यादव आपको विकेट निकाल कर देंगे। अगर आप ओवरकास्ट कंडीशंस में कुलदीप यादव से गेंदबाजी कराते हैं तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी टीम इंडिया की गेंदबाजी को। बड़ी बात क्या है कि इनके लिए, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव के लिए, इंग्लैंड की टीम ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है जो काफ़ी खतरनाक है, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है ओली पोप। जी हाँ, नए खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, इंग्लैंड की टीम ने कॉल अप किया और बुलाया कि आइए आप भारतीय स्पिनर्स पर चढ़िए, परफॉर्म कीजिए और इंग्लैंड टीम में अपनी जगह पुख्ता कर लीजिए। बेन स्टोक्स की जगह ओली पोप खेल रहे हैं। यहाँ पर महज 4 गेंदबाजों ने पूरी की पूरी इंडियन टीम को जो है वो जिसे हम कहते हैं धराशायी कर दिया। 6 ओवर क्रिस वोक्स ने किए, 6 ओवर में 19 रन, 2 विकेट। इसके बाद अगर बात की जाए, सैम करन पिछले मैच के हीरो, 8 ओवर 26 रन, 1 विकेट। एंडरसन, ये जो कहते हैं इन्होंने करके दिखा दिया है। हमारे बल्लेबाज या हमारे कप्तान कुछ और कहते हैं कि हम मानसिकता की बात है, शॉट सिलेक्शन की बात है, अरे आप करेंगे कब? अगला गेंदबाज ये कहता है कि मैं 5 विकेट निकाल दूंगा, मैं विराट कोहली को टिकने नहीं दूंगा, मैं टीम इंडिया को नहीं टिकने दूंगा, कहकर वो 5 विकेट निकालता है। यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत है टीम इंडिया को कि परफॉर्मेंस खेले। अगर आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड में
उनकी कंडीशंस पे हराना आसान नहीं होता है, एटलीस्ट आपको अपना जुझारूपन दिखाना पड़ेगा। गेंदबाजों ने आपको काम करके दिया है, गेंदबाजों ने आपको साउथ अफ्रीका में भी काम करके दिया। आप क्लोज टेस्ट मैच हारे, वहाँ पर किसी ने कंप्लेंट नहीं की, लेकिन यहाँ पर एक तरफा मैच इंग्लैंड के हाथ में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब कप्तान के साथ टीम को भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अकेले कप्तान भी कुछ नहीं कर सकते। वो जो कर सकते हैं वो ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ख़राब कप्तान है, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि आप अच्छे टेम्परमेंट वाले बल्लेबाज को ज़रूर पिच पर उतारें। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, तीसरे दिन के खेल और हाइलाइट्स के साथ कल एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त। हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।